नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आरएएफ 108 बटालियन द्वारा मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार को लोकल पुलिस के साथ मिलकर मेरठ की आरएएफ 108 बटालियन के द्वारा नगर में अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च की एक्सरसाइज की गई। आपको बता दें कि एक्सरसाइज इसलिए की गई ताकि किसी क्षेत्र में अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो ये बटालियन तुरंत मौके पर पहुंचकर उस पर कार्यवाही करते हुए स्थिति को कंट्रोल में कर सके। दरअसल आज मेरठ की आरएएफ 108 बटालियन जनपद में पहुंची थी, जहां इस बटालियन ने नगर के अति संवेदनशील इलाकों में लोकल पुलिस के साथ मिलकर अपनी फ्लैग मार्च की एक्सरसाइज की। जानकारी के मुताबिक दो सालों में एक बार इस बटालियन की एरिया फैमिली राइजेशन की एक्सरसाइज की जाती है, जिसके चलते यह बटालियन अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में जाकर फ्लैग मार्च करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में अगर इन इलाकों में कोई घटना होती है तो यह बटालियन तुरंत अपनी कार्यवाही करते हुए स्थिति को कंट्रोल में कर सके। ये बटालियन जनपद में अगले एक सप्ताह तक अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह फ्लैग मार्च करते हुए अपनी एक्सरसाइज करेगी। ये सीआरपीएफ के आरएएफ 108 बटालियन है, आपके मेरठ में पूछ रहे हैं। दो साल में एक बार इनका एरिया फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज होती है, जिसमें ये संवेदनशील अति संवेदनशील जो इलाके होते हैं जो क्षेत्र के आसपास के, उन पे ये लोग जाते हैं, एरिया को देखते हैं ताकि कभी कोई घटना अगर घटित होती है तो इनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर ये सर्कल वाइज डिवाइड किया गया है, हर सर्कल में अगले मंडे तक इनका ये फ्लैग मार्च चलेगा। हर सर्कल वाइज अलग अलग दिन अलग अलग सर्कल को एलोकेट किया गया है। ये आज हमारे यहाँ हैं, हमने यहाँ पे शिव चौक जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं यहाँ के, हमने वहाँ पे फ्लैग मार्च किया है। सर पूरे जनपद में लगातार इसी तरह एक हफ्ते तक चलेगा? जी, पूरे जनपद में एक हफ्ते तक, अगले मंडे तक ऐसी कार्रवाई की। और क्या क्या कार्यक्रम होगी सर इसमें, सिर्फ फ्लैग मार्च रहेगा? अभी तो फ्लैग मार्च है इनके द्वारा, अब ये आरएएफ का अपना खुद का होगा, जो ये लोग देखेंगे एरिया को देखेंगे अपने हिसाब से, ये लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे अगर ऐसे कोई घटना होती है उसमें कैसे कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।